मोगा विखे संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब दे सद्दे ते देश दियां सारियां फसलां लई MSP कानून बनाउण, लखीमपुर खेड़ी कांड दे दोषियां नूं बनदी सजा दिवाउण अते होर कई मंगां नूं लै के किसान रेल दियां पटड़ियां ते बैठ गए ने। जदके मोगा दे रेलवे स्टेशन ते वड्डी गिनती विच वख-वख किसान जथेबंदियां ने इकट्ठे होके केंद्र सरकार विरुद्ध रेल पटड़ियां ते बैठ के जबरदस्त प्रदर्शन कीता है। मोगा तो आज दी आवाज़ ले मनीष गर्ग दी रिपोर्ट। आज क्योंकि जो किसान अंदोलन चलिया लगातार पहला पंजाब दे विच जिहड़े रेलवे ट्रैक आ 2 महीने दे लगभग इन्हां ट्रैकों ते बैठे रहे हैं, और उस तो बाद जो देशव्यापी अंदोलन बन गया सी ते दिल्ली लगभग 1 साल तो वधेरे समा लोग उत्थे बैठे रहे आ, उदों भी सरकार ने कह के अंदोलन समाप्त कराया सीगा कि तुहानूं असीं MSP दी एक कमेटी बना के इहनूं जिहड़ा कानूनी गरंटी का रूप दे देंगे इहनूं, इस करके जिहड़ा आपदा धरना प्रदर्शन चुक लो। यह भी उन्होंने वादा किया कि जिहड़े किसानां दे परचे दर्ज होए सी किसान अंदोलन दौरान भी वो सारे के सारे खारज किए जाएंगे। पर ये बावजूद आ कि जदों दिल्ली के बार्डर के लोग बैठे हुए थे, यूपी के लखीमपुर खीरी के जिहड़ा भाजपा का मिनिस्टर आ उहदे बेटे ने प्रदर्शन तो जदों करके किसान घर जा रहे थे तो उन्होंने गड्डी हेठा कुचलता से उन्हों की मौत हो गई थी, किसान शहीद हो गए थे, उन्होंने हजे तक इंसाफ नहीं मिले, ना तो मिनिस्टर से कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जिहड़ी कार्रवाई असल दे विच बाननी चाहिए उहदे बेटे ते कतल वर्गी उहदे ते कोई कार्रवाई हुई है। अज पूरे देश इस गल दे लई प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि लखीमपुर खीरी का सानू इंसाफ चाहिए, जिहड़े साडे किसान शहीद होए आ वो जिहड़े शहीद जिन्हां ने किए आ उन्हां दे विरुद्ध इरादा कतल करके परचे दर्ज करके वो जेलां च होने चाहिए आ, जिहड़ा भाजपा का मिनिस्टर उन्हूं मंत्री मंडल चो बरखास्त करना चाहिए, इवें जिहड़ी फसल आ सारे देश दे किसानां दी मंडियां च रलदी आ, कोई उन्हां दी खरीद नहीं हुंदी, जे कोई खरीद करता प्राइवेट घराने खरीद करते हैं तो जिहड़े मिथे भाव तो बहुत घट जिहड़े निगूणे रेटा दे उदन दी फसल आ जिहड़ी कौडियां दे भाव चक्की जांदी आ, इस करके अज दे एक्शन दी मंग आ कि देश दे विच MSP दा कानून बनाया जाए तो घट्टो घट समर्थन मुल ते आ सारियां फसलां दी खरीद की गरंटी होनी चाहिए आ, जिन्हें देश किसान अंदोलन दौरान परचे दर्ज होए आ वो रद्द होने चाहिए, जिहड़े शहीद होए आ उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां भी ते मुआवजे भी मिलने चाहिए। सुजिंदर जी गल की जाए जिस तरह कि आपां करीब 1 साल के नेड़े आपां धरने दिते दिल्ली दे विच, पर दूजे पासे देखिया जाए तो जिहड़ियां फसलां हुण वी जिहड़ियां हैगियां इन्हां दे छल दे विच गई हैं, तो ये लगता नहीं कि ये अपना जिहड़ा धरना कितें व्यर्थ गया? नहीं, व्यर्थ नहीं गया, बहुत वड्डी जागरूकता आई है, लोग सवाल कर लगे आ, पहला कदे भी लोग सरकार दी तौर ते जां राजनीतिक पार्टियां दी दहशत इन्नी हुंदी सी कि उन्हां दे खिलाफ़ कोई बोलन नूं तैयार नहीं सी, पर आज जिहड़े हुण चाहे पंजाब दी विधानसभा दे इलैक्शन होए आ चाहे यूपी दे इलैक्शन होए आ लोग लीडरां नूं सवाल कर लगे आ, उहदे चों भी लीडरां ने भी वादा करके जाते, ये नहीं कोई सीधे तौर पर ना करते कि असी ये जिहड़े मसले हल करांगे, जिहड़ा अंदोलन का सवाल आ क्योंकि लगातार जदों किसान 1 साल अंदोलन करते रहे हैं तो उहदे च जिहड़े उन्होंने वादे करके ही कहा सीगा कि असी तुहाडियां जिहड़ियां मंगां हैं जिहड़ियां मन लवांगे, हुण भी जे उन्होंने वादियां तो भज्जन की गल करते हैं तो आने वाले समय च ये अंदोलन होर वड्डा होएगा राजनीतिक तौर पर, जिवें इत्थे पंजाब दे विच कोई इह नहीं कोई आम आदमी पार्टी आ गया, वह भी असल च लोगों की जागृति सी कि जिहड़ियां दूजियां राजनीतिक धिरां सी जिन्हां ने किसानी के विरोध च नीतियां बनाईयां उन्हां दा पलटा लवाया, इवें जिहड़ी कोई हुण भी सरकार आ किसानां दी नहीं सुनूगी मंगां नहीं मनूगी राजनीतिक तौर पर, चाहे देश की सत्ता होवे चाहे पंजाब की सत्ता होवे उन्हां दा पलटा वजू। अज संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब वालों कॉल दी गई सी कि पंजाब भर के जिहड़े रेलवे ट्रैक आ सवेरे 11 बजे तो लैके शामी 3 बजे तक जाम किए जाएंगे, साडियां मेन मंगा हैगियां MSP की गरंटी उहदे ते कानून बनाया जाए, लखीमपुर खीरी के जिहड़े शहीद होए आ जिहड़े उन्हां दे दोषी उन्हां ते कार्रवाई की जाए, और जिहड़े गवाह आ उत्थे उन्हां ते कातलाना हमले हुंदे आ उहदे विरोध में असीं जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक साडी मेन मंग आ जिहड़े दिल्ली विच साडे किसान शहीद होए सी उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां देनियां और मुआवजा देना, तो चौथी साडी मंग आ जिहड़ी अग्निपथ स्कीम के तहत नौजवानों नाल केंद्र सरकार धोखा कर रही है उहदे विरोध के जिहड़ा अज प्रोटेस्ट चल रहा शांतमई तरीके नाल साडा धरना सवेरे 11 बजे तो लैके शामी 3 बजे तक चलेगा, और किसी भी चीज़ का ना असी पहला नुकसान किया ना असी हुण नुकसान करांगे, सिर्फ तो सिर्फ जदों केंद्र सरकार वालों भेजिया गई ट्रेनां इस ट्रैक के उपरों इस स्टेशन के उपरों लंघनगियां असी उन्हां नूं लंघन नहीं देना, असी रोकणा। इस तरह का धरना होर कि जगह पर चल रहा है जी? फिरोज़
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।